दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सेफ होंगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीशो हॉल। कुछ मैंने ड्रेसेस ऑर्डर किए थे और कुछ मैंने ज्वेलरी मंगवाए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ मिनी स्ट्रेटनर है ये, और ये कुछ इस तरीके का पैकेट भी मुझे रिसीव हुआ है। तो जैसे हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं ना, उसी टाइप का ये डब्बा है और उसी शेप में ये खुलता भी है, और ये कुछ इस तरह का है। ये मैंने मंगवाया है लेवेंडर कलर का, और आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। और इसमें इतना लंबा वायर आपको मिल जाएगा, और ये काम भी करता है बहुत ही अच्छा। मैंने अपने बालों पे कितने बार ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो इसे मंगा के ट्राई कर सकते हो। और मैं जिनके बाल छोटे हैं, पतले हैं, तो फटाफट से ये हो जाता है। जिनके घना और लंबे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। मेरा भी है उस टाइप का, तो मैंने इसे किया हुआ है। तो नेक्स्ट मेरे पास है ज्वेलरी, और ये सिल्वर कलर मैंने मंगवाए हैं। और जितने भी प्रोडक्ट मीशो की अच्छी बात यह है कि जितने भी वो प्रोडक्ट देते हैं इस कंटेनर में ही अलग से सेव करके देते हैं। ये सिल्वर कलर में है, देख सकते हैं, और इसका वर्क जो है मिरर का है किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। मैंने इसलिए इसे मंगवाया है, मुझे कुछ लुक करना था जो मुझे चाहिए था, ये सिल्वर कलर में ही। और इसका इयररिंग आप देखो, बहुत ही खूबसूरत सा है। ज्वेलरी बहुत ही अच्छा है, और इसकी साइन वगैरह जो भी है बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से है, और मुझे ये ज्वेलरी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने मंगवाया। और कुछ लुक मैं इसके साथ शेयर करूंगी, आप लोग देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मेरे पास है ये भी ज्वेलरी है, और ये कुछ इस तरीके का है। ये इन्होंने इसे भी अच्छे तरीके से पैक करके दिया है, और ये भी एक इस तरह का बड़ा साइज में आपको बॉक्स मिल जाता है। और नेक सेट है, और बहुत ही खूबसूरत है। आपको अगर इसमें दिख रहा होगा तो आप अच्छे से देखो, बहुत खूबसूरत सा है। इसका कलर भी और साइन भी बहुत ही प्यारा है, और मुझे ग्रे कलर में ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपने कुछ कपड़े मंगवाए हैं वो मुझे ग्रे में ही है, इसलिए मुझे ग्रे चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे मंगवाए हैं। और इसका इयररिंग भी है, इयररिंग भी बहुत खूबसूरत सा है। मैंने मंगवाया है ये टॉप, और ये है ब्लैक कलर का, और ब्लैक है और लॉन्ग भी है। आप कहीं पे भी आप पहन के इसे अच्छे तरीके से जा सकते हो। ये कॉटन का मटेरियल है इसे, और जयपुरी प्रिंट है इसमें, और बहुत खूबसूरत सा है, आप प्रिंट को देख सकते हो। और इसका गला आप गोल बोल सकते हो, राउंड है, और बीच में थोड़ा कट लगा हुआ है इस तरीके का, और बहुत खूबसूरत ये कपड़ा है और मटेरियल है। और इसमें एक बंद लगा हुआ है, जो आप अपने साइज से इसे टाइट भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और इस तरीके का इन्होंने इसमें टसल लगाया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा है। और तो मैंने इसे एक्सल साइज ही मंगवाया है, इसलिए कि आप अगर इसे थोड़ा बड़ा साइज में मंगवाते हो तो आप इसे अल्टर करवा सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप, और इसके स्लीव्स आपको लॉन्ग मिल जाएंगे इस तरीके का है। और मैंने इसे एक साइज लॉन्ग बड़ा ही मंगवाया है, क्योंकि छोटे आ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका नेक है बी शेप में, बहुत खूबसूरत सा है। तो ये
जो टॉप है क्रॉप टॉप, लड़कियां इसके साथ में लॉन्ग स्कर्ट जो प्रिंटेड आते हैं उसके साथ पेयर करेंगे तो बहुत खूबसूरत सा ये टॉप लगेगा आपको पहनने में। तो नेक्स्ट मेरे पास है ये ग्रे कलर का साड़ी और ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, खूबसूरत सा साड़ी था। इसमें आपको कोई सा भी कलर आप चाहो तो ले सकते हो, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, जो भी चाहो आपके पसंद से। मुझे ग्रे ही चाहिए था तो मैंने इसे लिया और ये इसमें वर्क किया हुआ है, इसमें बहुत खूबसूरत सा टैसल लगा हुआ है और इसमें जो थ्रेड का काम किया हुआ है वो बहुत शाइनिंग है इसमें और बहुत खूबसूरत सा है, आप देख सकते हो। और इसमें जो टैसल लगा हुआ है, प्लेन साड़ी है इसीलिए इसमें टैसल लगा हुआ है तो ये और ज्यादा खूबसूरत साड़ी का हो जाता है, देख सकते हो। ये सिंपल साड़ी है, बस इसमें लाइनिंग किया हुआ है तो इसीलिए ये बहुत खूबसूरत साड़ी है और ये प्लेन है और बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट मेरे पास है ये, इस साड़ी के साथ में आपको ये पीस मिल जाता है, ये ब्लाउज का है और आपको खुद ही से इसे स्टिच करवाना पड़ेगा। अच्छा खासा इसका लेंथ मिल जाता है आपको, इसमें वर्क किया हुआ है सिक्वेन का और बहुत खूबसूरत सा है इसकी साइडिंग, सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत सा ये आपका वर्क किया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका ऐसे होता है कि चुभ रहा है आपका बदन में, ऐसा कुछ भी नहीं है ये, और आप इसे अच्छे से स्टिच करवा के इसे पहन सकते हो। वुडन का टेबल है और ये भी बहुत ही अच्छा है और इसका मटेरियल भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, बट इसके साइज आपको छोटा मिलता है, आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते हो, बस ये ऐसा है कि आप इसे फोल्ड करके रख सकते हो कुछ इस तरीके से और ऐसे में आप ऐसे इसे रख सकते हो, इसमें यही एक अच्छी बात है। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उन्होंने ये टेबल का भी देखा होगा, मैंने इसे नहीं जब अपने इसे यहाँ पे साइड में जब लगा के मैं वीडियो बना रही थी तो उसके नीचे मुझे कुछ रखना पड़ा, इसके बाद मैं इसे रख पाई थी क्योंकि ये साइज में छोटा है और आपका हाइट में भी नहीं आ पाता है। तो इसका कलर वगैरह जो भी है बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ आपको अच्छा मिलेगा पर साइज में आपको छोटा मिलेगा। आज के मेरे मीशो हॉल ख़त्म हो चुकी है और इतने ही थी और मैंने कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँ और मेरे मेकअप वीडियो और हॉल वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।